हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोग्रामिंग स्किल्स। और आज का इस वीडियो में हमारा सीएसएस का सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि पूरा बेसिक से लेकर पूरा प्रो लेवल तक होने वाला है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। ओके, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं सीएसएस 3। तो CSS3 मैंने क्यों लिखा, मैंने कुछ और क्यों नहीं लिखा? CSS3 मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि ये वर्जन है CSS का जो कि 3 है। ओके, CSS इज अ सिंपल डिजाइन लैंग्वेज इंटेंडेड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेब पेजेस प्रेजेंटेबल। इसका मतलब CSS एक ऐसा माध्यम है जो कि HTML के साथ में अगर हम उसको लिखते हैं तो वो क्या करता है, हमारा जो वेबसाइट का जो पेज है उसको बहुत अच्छा और अति अट्रैक्टिव बनाता है वेबसाइट्स को। ओके, सो हम इसको बहुत ही अलग अलग तरीके से यूज कर पाएंगे, जो कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हुए सब कुछ सीख जाएंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है CSS हैंडल्स द लुक एंड फील ऑफ द वेब पेज, ये तो मैंने आपको बताया। यूजिंग CSS यू कैन कंट्रोल द कलर ऑफ टेक्स्ट, जैसे कि ये सब कलर चेंजेस उसके नीचे जो ऐसा ऐसे सब आ रहा है, ये सब आप CSS के यूज से कर पाएंगे। ओके, और द स्टाइल ऑफ द फॉन्ट, फॉन्ट मतलब जो फॉन्ट या टेक्स्ट आप बोल सकते हैं, इस सब को आप अपना खुद का स्टाइलिंग दे पाएंगे। द स्पेसिंग बिटवीन द पैराग्राफ, पैराग्राफ के बीच में जो जो स्पेस है, मतलब इसके अंदर इतना स्पेस है तो ये सब स्पेस भी आ रहा है। ओके, तो ये सब जितना भी डिजाइन्स या जितना भी लेआउट यूआई सब बनता है, ज्यादातर फोकस करते हैं हम सीएसएस पे। एचटीएमएल हमारा 5% से 10% एचटीएमएल होता है और सीएसएस होता है हमारा 60-70%, और बाकी डायनेमिक फीचर के लिए हम जावास्क्रिप्ट देखते हैं, जो कि इस सीएसएस का सीरीज के बाद हम देखेंगे। ओके, यहाँ पे लिखा गया है CSS इज इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, ये बहुत ही इजी है एंड बहुत ही मतलब फ्लेक्सिबल तरीका से आपको इसको मैं समझाऊंगा। बट इट प्रोवाइड्स पावरफुल कंट्रोल ओवर द प्रेजेंटेशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। ओके, बट ये आपको क्या करता है, बहुत ही पावर दे देता है जब आप कुछ HTML डॉक्यूमेंट के साथ इसको जब कनेक्ट करते हैं, तब ये आपके वेबसाइट को ऐसा अच्छा दिखाता है जैसे कि आपको लगेगा कि एक्चुअली में आपने कुछ इतना अच्छा मतलब वेबसाइट बनाया है, जिस वेबसाइट का बनने का ज्यादातर मतलब ज्यादातर पार्ट CSS का ही होता है, क्योंकि विदाउट CSS आप अच्छे से अच्छा मतलब डॉक्यूमेंट हो गया, वेबसाइट पेजेस हो गया, आप बना ही नहीं पाएंगे। मोस्ट कॉमनली CSS इज कंबाइंड विथ मार्कअप लैंग्वेजेस HTML और XHTML। यहाँ पे लिखा गया है मतलब ज्यादातर HTML या XHTML के साथ हम CSS को कंबाइन करते हैं। CSS को हम सारे के सारे HTML, EJS, PUG, ये सब जितने भी हमारे मार्कअप लैंग्वेजेस हैं, उसी तरह के लैंग्वेजेस में हम CSS यूज कर पाएंगे और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स में भी हम CSS यूज कर पाएंगे। ओके, तो चलते हैं हम एडवांटेजेस में और पता करते हैं क्या क्या एडवांटेजेस है CSS का। ओके, तो ये रहा हमारा एडवांटेजेस ऑफ CSS 3। CSS saves the time. You can write CSS once, then reuse same sheet in multiple HTML pages. You can define a style for each HTML element and apply it to a many web pages as you want. Okay, इसमें बताया गया है कि आप IDN, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था IDN क्लासेस, जिस IDN क्लासेस को अगर आप यूज करते हैं तो आपका बहुत से बहुत टाइम बच जाएगा। ओके, पेजेस लोड फास्टर, CSS का ज्यादातर पेज बहुत ही ज्यादा लोड फास्ट हो जाता है। ओके, इजी मेंटेनेंस, CSS को आप इजीली मेंटेन कर पाएंगे क्योंकि वो आप जितने भी फाइल्स में अगर चाहे उसको डिवाइड कर पाएंगे, बट हम उसको ज्यादातर रखेंगे style.css में, क्योंकि हम जब कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स आगे बनाएंगे, इसी चैनल पे मैं बनाऊंगा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स, जब उसको बनाऊंगा तो CSS को कैसे पार्ट पार्ट करके फोल्डर स्ट्रक्चर में रखना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। सुपेरियर स्टाइल्स टू HTML, तो CSS एक ऐसा चीज है जो कि बहुत सुपर्ब स्टाइल देता है HTML को। ओके, और ट्रांजिशंस प्रॉपर्टीज एंड ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज एनिमेशन सब कुछ है इसमें। ओके, मल्टीपल डिवाइस कंपेटेबिलिटी, जैसे कि मीडिया क्वेरीज का यूज करके हम हर एक शेप या साइज वाले डिवाइस के लिए हम वेबसाइट बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ CSS मीडिया क्वेरीज। मीडिया क्वेरीज भी इसी सीरीज में आपको मिलेगा। ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड, नाउ HTML एट्रीब्यूट्स आर बींग डिटेक्टेड एंड इट इज बींग रिकमेंडेड टू यूज CSS।
मतलब अभी ज्यादातर ग्लोबल में वेब ब्राउजर्स जितना है ज्यादातर आपको रिकमेंड करते हैं आप सीएसएस यूज करें, बिकॉज इट इज गुड आइडिया टू स्टार्ट सीएसएस इन ऑल एचटीएमएल पेजेस टू मेक देम कंपैटिबल टू फ्यूचर ब्राउजर, क्योंकि फ्यूचर में जितना भी ब्राउजर बनेगा उन ब्राउजर में से उनका पहले ब्राउजर का जो सेटिंग्स होता है उसमें डाल देंगे कि सीएसएस को एचटीएमएल के साथ फाइल्स के साथ आप कनेक्ट करके लोड कीजिए पेजेस को या वेबसाइट्स को लोड कीजिए। ओके, इनमें इन पॉइंट में से आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टीपल कंपैटिबिलिटी, क्योंकि आपका हर एक चीज में मतलब सीएसएस जब आप बनाओगे तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि रेस्पॉन्सिवनेस। ओके, जो रेस्पॉन्सिवनेस आपका यही सीएसएस का मीडिया क्वेरीज देगा। ओके, अभी सीएसएस के वर्जनिंग के बारे में जान लेते हैं। सीएसएस 3 इज द लेटेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सीएसएस अर्लियर वर्जन सीएसएस 2। इसका मीनिंग यह है कि सीएसएस 3 अभी का लेटेस्ट वर्जन है जो कि सीएसएस 2 के बाद आया था। कैस्केडिंग स्टाइल सेट लेवल 1 सीएसएस वाज केम आउट ऑफ W3C एज रिकमेंडेशन इन दिसंबर 1996। दिसंबर 1996 में W3C के द्वारा सीएसएस 1 का लेवल 1 वाला जो निकला था हमारा। बट आपको एक चीज में बताना भूल गया जो कि था हमारे सीएसएस वाले पेज में, ये डेवलप किया गया है 1994 से। ओके, बट इसका लेवल 1 आया 1996 में, व्यूम ली ने इसका डेवलपमेंट किया था। दिस वर्जन डिस्क्राइब द सीएसएस लैंग्वेज एज वेल एज अ सिंपल विजुअल फॉर्मेटिंग मॉडल फॉर ऑल द एचटीएमएल टैग्स। ओके, ये जो वर्जन है आपका हर एक, तो ये वाला जो वर्जन निकला है सीएसएस 3, ये इसके बाद कोई वर्जन नहीं आएगा, इसी का फ्रेमवर्क हो सकता है, इसी के ऊपर अपडेशन हो सकता है, बट 3.0 3 पॉइंट के अलावा, मतलब ये कभी 4 पॉइंट नहीं होगा, 3 पॉइंट समथिंग हो सकता है, जैसे कि 3.5.2 ऐसा कुछ हो सकता है, बट कभी ये आपका 4 पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि सीएसएस 3 उसको माना गया है कि सीएसएस 3 हम इसको मतलब मान लेंगे कि बस ये लॉक हो गया है, इसके ऊपर और कुछ नहीं बनेगा, इसी को अपडेट किया जाएगा, जितना भी अपडेट होगा इसी पे होगा, क्योंकि ये अभी एक ऐसा बन गया है जिसको कि अगर चेंज कर रहे हैं तो सारा का सारा ब्राउजिंग प्रॉपर्टीज चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए सीएसएस 3 कभी भी चेंज नहीं होगा, सीएसएस 4 कभी नहीं आएगा, सीएसएस 3 को अपडेट किया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, बताना चाहूंगा कि मैं रोज बताना चाहूंगा कि मैं रोज इसी प्रकार के वीडियोस बनाता रहता हूं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना। ओके, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।